अभी हमारे पास एक और किताब बाकी है और मुझे उम्मीद है कि वो भी पहले दो किताबों से बढ़कर इंशाल्लाह मजेदार होगा, क्योंकि उसमें जो खास टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फाउंडिंग बीएन। तो हर इंसान का अपना एक फेवरेट टॉपिक होता है, तो क्योंकि फाउंडिंग बीएन बीइंग अ फाउंडर मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं तो बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर किताब का। बिला तवक्कुफ मैं दावत दूंगा अपने वालिद गिरामी और मेरे दादा जिनके फैजान नजर ये सब कुछ अभी आज चल रहा है, उनको भी मैं इनवाइट करने से पहले याद करना चाहूँगा। सो मेरे दादा जनाब किबला अलहाज अली अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला ने आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर चलना कोई आसान काम नहीं था, तो ये बहुत ही भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालने वाली शख्सियत। इसके अलावा दुनियावी तालीम में भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने चारों बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने वाली शख्सियत और पंजाब गवर्नमेंट में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व करते हुए कोई करप्शन ना करने वाली शख्सियत, ये बहुत बड़ी बात है कि उस जगह पर होना जहां आप कुछ भी कर सकते हैं और वहां पहुंच कर कुछ ना करना। तो मेरे ख्याल है आप सब समझ गए हैं कि मैं किस शख्सियत का तारुफ करवा रहा हूँ। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा अपने वालिद मोहतरम किबला जनाब डॉक्टर सईद अहमद कादरी साहब को तशरीफ लाएं और अपने नए ख्याल का इजहार कीजिए। सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू शेयर टेक्नोलॉजी के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को शर्फ बख्शा, उसकी बुनियाद इल्म, उसकी बुनियाद इल्म। अगर इंसान को मस्जूद मलाइक बनाया गया तो अल्लाह आदम अस्मा बुनियाद इल्म। अच्छा मैं ना मुख्तसर सी गुफ्तगू कि चूंकि ये दिसंबर में 25 दिसंबर को कायदे मुहतरम का ये पैदाइश भी है, तो आपका एक बड़ा मारूफ तरीन कॉल है काम काम काम, आप यकीनन कामयाब, काम 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 आप यकीनन कामयाब होंगे। काम कैसे किया, काम कैसे किया, वो तो इकबाल साहब भी कहते हैं कि जनाब अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम, वहां भी बात अमल की हो रही है, वहां भी बात अमल की हो रही है। लेकिन हम इसकी मजीद वजाहत इकबाल साहब से चाहते हैं, तो वो है कि यकीन मोहकम, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिहा, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम जिहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशान। तो वो काम जिसके पीछे यकीन की कुव्वत नहीं होगी उस काम में वो बरकत, वो तरक्की, वो उरूद कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या है यकीन, अब यकीन मुहकम क्या है, अब यकीन की जो इकसाम कही जाती है कोई इल्मुल यकीन भी है, आइनुल यकीन भी है, हक्कुल यकीन भी है। तो अगर किसी भी मामले में आप कुल्लियतन किसी चीज पर कमा हक्का हो यकीन ने कामिल नहीं रखते, तो उसके लिए जो आप अमल करते हैं वो अमल कोई फायदेमंद नहीं। तो क्योंकि बात हो रही है शेयर फैमिली की, शेयर टेक्नोलॉजी की, तो मैं मुखातिब हूं इन लोगों से जो टीम मेंबरान भी हैं कि फर्द कायम रब ते मिल्लत से हतनहा कुछ है। अगर तो टीम वर्क हो तो सब लोग ग्रोथ करें, कुछ नहीं। पर अगर हर शख्स ये समझे कि जनाब बस मैं ही हूं तो फिर कुछ भी, फिर वो कि बैरो मौज है बैरो ने दरिया कुछ नहीं, फिर वो कुछ भी। तो सबसे जरूरी क्या है कि आप लोग जो विजन लेके निकले, आप लोग जो काम करना चाहिए उसका आपका यकीन है मुहकम। अगर यकीन है मुहकम है तो फिर उसका अगला मरहला अमल पहम, फिर तसलसल मुसलसल, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया या कभी तजज्जुल का शिकार कभी तजज्जुल का शिकार नहीं, अमल पहम
यकीन मुहकम होगा, अमल पहम होगा, और उसके साथ क्या, मोहब्बत फातहे आलम, बाहमी रवादारी, बाहमी मोहब्बत, बाहमी अखुवत। जिहाद जिहाद जो है वो जिहाद जुहद से है। अगर सिर्फ ये समझ लिया जाए कुछ लोगों में कि वो सिर्फ किताल का नाम जिहाद है तो उसकी एक शक्ल है, लेकिन जिहाद क्या है, जुहद है। जिस भी दीन को आप लेकर निकल रहे हैं, जिस भी काम को आप लेकर निकल रहे हैं, उसके लिए अपनी तमाम तरह सलाहियतों को मरकूज कर, और अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर उसका यकीन है काम में लगेंगे, कामयाबियां भी कदम चूमेंगे। तो मेरा मुख्तसर सा आज के लिए जो पैगाम है वो यही है, वो फर्द कायम रब पे मिलना, सेहत ना कुछ नहीं, ये टीम है, इसे टीम के तौर पर काम करना होगा, इसे टीम के तौर पर काम करना होगा। दूसरा कि अगर आप यकीन के आला दर्जे में हैं, मुसलसल अमल कर रहे हैं और बाहमी मोहब्बत और रवादारी को पेश नजर रखे हुए हैं तो कामयाबियां आपकी। बमा अलैना इल्ला बला। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया और कीमती ख्याल का इजहार करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर स्पीच का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था क्योंकि ये सरप्राइज था। अमूमन अब्बास उनकी स्पीच कहीं भी हो तो मुझे पहले से पता होता है, लेकिन आज मुझे कुछ पता नहीं था कि ये क्या बोलेंगे, तो थोड़ा सरप्राइज भी था। तो इट वॉज रियली नाइस लिसनिंग टू ऑल दिस। और अब हम बिला तवक्कुफ नमाज की ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि नमाज़ ज़ुहर का वक्त है, और इसके बाद इंशाल्लाह तकरीब और मज़ेदार होने लगी है।